गुड मॉर्निंग क्लास सर, कैसे हो बच्चों आप सब? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? परीक्षा चैप्टर पढ़ा ना, मैम अर्चना ने पढ़ाया आपको। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19, मातृभूमि। सब लोग अपनी अपनी हिंदी टेक्स्ट रीडर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 127 ओपन करेंगे। कर लिया सबने हिंदी टेक्स्ट रीडर बुक? वेरी गुड। पार्ट 19, मातृभूमि। इस पाठ के माध्यम से बेटा हम बच्चों आज क्या पढ़ेंगे कि मेहनत, लगन और अपनी मातृभूमि के प्रति हमारी जो जागरूकता है, जागरूकता यानी उसको जानने की जो इच्छा है, वो सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मातृभूमि यानी हमारी माँ की भूमि, माँ यानी माता की, माता कौन है? हमारी धरती माता है ना, तो इनकी भूमि। मिथिला नरेश अर्थात मिथिलेश के राजा का राजकुमार बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी बाल्यावस्था में ही राजकुमार ऐसे ऐसे प्रश्न किया करता था कि सभी चकित रह जाते थे। बाल्यावस्था यानी बचपन, हम लोग छोटे होते हैं ना बचपन में, तो वो बचपन की जो उसकी अवस्था थी, उसकी जो एज थी, उस समय वो इस तरह के क्वेश्चंस करता था कि जो भी उसके क्वेश्चंस को सुनता था वो एकदम चकित यानी एकदम शॉक्ड रह जाता था कि अरे इतना छोटा बच्चा और इतनी अच्छी बातें कर रहा है। एक दिन राजा ने कुलगुरु से राजकुमार के अध्ययन के बारे में विचार विमर्श किया। कुलगुरु कौन होते हैं? जैसे अपन के यहाँ अपन टीचर्स होते हैं ना, अध्यापक टीचर होते हैं ना, मैम होती हैं, वैसे पहले समय में उनके यहाँ अपन जैसे बाहर से पढ़ने आते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं, तो उस समय क्या होता था, उनके कुल के गुरु होते थे जो कि आश्रम में राजकुमारों को पढ़ाई से रिलेटेड और दूसरी सारी शिक्षा उनको देते थे। तो उन्होंने अपने कुलगुरु से विचार विमर्श यानी उसके बाद में आपस में बातचीत की और फिर राजकुमार को कुलगुरु के आश्रम में शिक्षा हेतु भेज दिया। राजकुमार को कहाँ भेजा? कुलगुरु जो थे उनके आश्रम में एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। राजकुमार बहुत ही लगन से अध्ययन कर रहा था। लगन यानी बहुत अच्छे से, बहुत मन लगा करके, लगन यानी अच्छे से मन लगा करके वो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। कहाँ पे? कुलगुरु। कुलगुरु यानी संपूर्ण कुल के गुरु। कुलगुरु यानी पूरा जो उनका अपना एक कुल था, उसके संपूर्ण कुल के गुरु को क्या कहते हैं? कुलगुरु। तो उनके पास में वो लगन से, मेहनत से उसका अध्ययन कर रहा था और गुरुजी से अपने प्रश्नों का समाधान पाकर अपने अध्ययन में महारत हासिल करता जा रहा था। जो भी क्वेश्चंस वो अपने गुरुजी से पूछता और उसके सही सही उसको आंसर्स मिलते थे और वो धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ता चला जा रहा था अपने पढ़ाई के, शिक्षा के क्षेत्र में। एक दिन राजकुमार ने कुल गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, हम जिसकी प्रतिदिन वंदना करते हैं वह स्वर्ग से भी सुंदर मातृभूमि क्या होती है? गुरुदेव ने राजकुमार को राज्य की नदियों, झीलों और गिरिवन का नाम लेकर बताया कि ये सब मातृभूमि है ना। उसने जो क्वेश्चन किया उसके आंसर में गुरुदेव ने क्या कहा कि ये जो झील हैं, नदियां हैं और सुंदर सुंदर उपवन, जंगल वृक्ष जो हैं, ये सब क्या है? मातृभूमि है। गिरिवन के बारे में सुनकर राजकुमार में गिरिवन घूमने की क्या हुई? इच्छा हुई, लालसा हुई। ठीक है, वो गिरिवन की ओर, गिरिवन घूमने की इच्छा उसके मन में जागृत हुई यानी पैदा हुई, उत्पन्न हुई। वह आश्रम से बाहर निकल गया और कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। कहाँ गया था घूमने? वो गिरिवन में, उपवन में। कुलगुरु को उसकी चिंता हुई। एक दिन राजकुमार अनायास ही आश्रम में वापस आया और सीधा कुलगुरु के पास गया। कुछ दिन के लिए वो बाहर चला गया था ना घूमने के लिए गिरिवन में, और जो कुलगुरु थे उनके, उनको चिंता होने लगी कि ये बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। और कुछ दिन के बाद अचानक वो वापस आया तो वो सीधे गुरुदेव के पास गया और उसने गुरुदेव को प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आपने सही ही कहा था कुलगुरु, मातृभूमि स्वर्ग से भी सुंदर होती है। मैं गिरिवन में घूमकर
देख आया हूँ। पर्वत पर निझरों के शीतल जल से थके लोगों की थकान और प्यासे लोगों की प्यास बुझ जाती है। पर्वत पर निझरों यानी खूब सुंदर जो झरने बहते हैं, अपन ने देखा है ना, अपन के आबू रोड के रास्ते में भी जब बारिश होती है तो वो झरने जैसे बहते रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वहाँ से अपन रुक के पानी भी पीते हैं, अपनी थकान मिटाते, थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं ना। तो इस तरह से क्या होता है, वो प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है कि इतना सुंदर उसका नज़ारा है वहाँ का। घाटी में हरे हरे वन, लता और पशु पक्षियों की शोभा भी अवर्णनीय है। अवर्णनीय यानी जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इसका हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, इतना खूबसूरत है। वन में दहाड़ते शेर कुदान मचाते, कुदान यानी कूदते हुए हिरण, हिरण को देखा है ना, वो कैसे कूद कूद के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। घास के मैदान बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुवर आप मुझे आश्रम से गिरिवन में रहने की आज्ञा दे दीजिए। क्या कहा उसने गुरुदेव जी से कि आप मुझे आश्रम में मत रखिए, मुझे इस वन में जंगल में रहने की आज्ञा यानी परमिशन दे दीजिए, मैं मातृभूमि की वंदना वहीं करूँगा। वंदना करना यानी उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना। मातृभूमि यानी हमारी मातृभूमि को अभी आपको बताया ना मैं क्या है, जहाँ जो हमारी माता की तरह जो पूजित है वो मातृभूमि है, धरती माता। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को, ये इतना पूरा चैप्टर आप लोग यहाँ तक एक बार और रीड करेंगे। कल मैं आपको इसकी आगे से पूरा आपको अगेन वापस रीड करके समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।